लेकिन अब कहीं ना कहीं रुकने की कुछ व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी ना। नहीं, मैं इंसान के घर नहीं रुकूंगी, मैं तो जंगल की तरफ जाऊंगी, वहीं कुछ जुगाड़ कर लूंगी। उफ, शाम हो गई। रुकने के लिए जल्द से जल्द एक पेड़ ढूंढना होगा। अरे वो रहा एक पेड़, और काफी खाली भी लग रहा है। मैं जाकर उसी पर बैठती हूँ। अरे वाह, यहाँ तो मुझे एक बना बनाया घोंसला भी मिल गया है। अच्छा ही हुआ, मैं अब सो जाती हूँ। सुबह हो गई, ये आवाज तो किसी चिड़िया की लग रही है। आह, लगता है एक बढ़िया सी छोटी सी चिड़िया आई है। आज रात तो मैं इसे खाकर ही रहूंगा। चलो अब जाकर कुछ खाने का जुगाड़ कर लेती हूँ, फिर लौटकर इस घोंसले को अच्छी तरह सजाऊंगी।
करो, भले ही मैं बिल्ला हूँ तो क्या हुआ, लेकिन वो तो इंसान ही। हफ्ते में दो दिन मछली मिल जाए, एक दिन मीट मिल जाए, फिर दूध दो, तब तो खाने में मजा भी आए। पता नहीं भिखारी लोग बिल्ला क्यों पालते हैं, समझ नहीं आता। और पूरी दुनिया में गाएंगे कि हमने एक बिल्ला पाला है, ये भी कोई बात हुई। अरे ये क्या है, छोटी सी चिड़िया बार बार उस बैंगन के पेड़ पर जा रही है, ये करना क्या चाहती है। जाकर देखता हूँ आखिर माजरा क्या है। अच्छा ये बात है, बैंगन के पेड़ पर अपना घोंसला बनाया है इस टुनटुनी चिड़िया ने। और इसे देखकर लगता है कि ये अंडे देने वाली है। बहुत अच्छे, दे दो अंडे, जल्दी से दे दो, ताकि मैं उन बच्चों का स्वाद जल्दी से चख लूं। बहुत दिनों से नॉनवेज खाया भी नहीं है मैंने, इन बच्चों को तो मैं मिर्च और मसाला लगा कर खाऊंगा। मेरी तो सोच सोच कर ही लार टपकी जा रही है, भू पूरा पानी से भर गया है। और नहीं हो पा रहा, लगता है अब अंडे देने ही पड़ेंगे, उड़ने में भी परेशानी हो रही है। चलो घोंसले में चलकर जरा बैठती हूँ। टुनटुनी तो घोंसले में ही बैठी हुई है, ये तो वहाँ से हिल भी नहीं रही, जहाँ तक मेरा अंदाजा कहता है मतलब कि इसने अंडे दे दिए हैं। आह, मुझे तो ये बात सोचकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। गोल गोल अंडे, उन अंडों में से निकलेंगे बच्चे और फिर उन बच्चों को मैं खाऊंगा, कच्चे कच्चे। नहीं, उन्हें मैं मिर्च और मसाला लगाकर खाऊंगा। बस एक बार ये टुनटुनी अपना घोंसला छोड़कर उड़ जाए, फिर ये अंडे नहीं बचेंगे मुझसे। अब जब अंडे दे ही दिए हैं मैंने, तो मेरा उड़ना फिरना बिल्कुल बंद हो चुका है। बस ध्यान से अंडों पर बैठकर उन्हें गर्म रखना है। लेकिन कुछ दिनों से देख रही हूँ, ये बिल्ला मुझ पर और मेरे घोंसले पर नजर रख रहा है, कहीं इसे शक तो नहीं है। कैसे भी बिल्लियों की नजर बहुत तेज होती है, इसे पता होगा कि मैंने अंडे दिए हैं। अरे ये टूनी चिड़िया मुझे इतना घूर घूर के क्यों देख रही है, कहीं इसे मुझ पर शक तो नहीं हो गया कि मैं इसके बच्चों को खाना चाहता हूँ। ये टूनी वैसे है तो बहुत चालाक, इसकी शक्ल देखकर ही पता लगता है कि ये बहुत चतुर है। ना ना ना, ना अब और नहीं ताकूंगा उसके घोंसले पर, नहीं तो इसको मुझ पे पूरा शक हो जाएगा। कितने सुंदर है मेरे नन्हे बच्चे, लेकिन मुझे इन्हें खिलाना तो पड़ेगा, पर कहाँ से लाऊं खाना। अरे चुप कर जाओ मेरे बच्चों, चुप। अब तो लगता है मुझे खाना ढूंढने जाना ही पड़ेगा। बच्चे हो गए, इतनी खुशी हो रही है मुझे कि क्या बताऊं। हर रोज एक एक बच्चे को पकड़कर मजे से खाऊंगा। लेकिन मुझे उस बिल्ले से डर लगता है, बस इंतजार में बैठा है कि मैं कब निकलूं और वो शैतान मेरे बच्चों को निगल जाएगा। अब मैं क्या करूं, मुझे बच्चों के लिए खाना लाने जाना ही पड़ेगा। एक काम कर सकती हूँ, जब ये बिल्ला खाने में बिजी होगा तब मैं फट से जाकर खाना ढूंढ लाऊंगी। हाँ यही ठीक रहेगा। चुप करो बच्चों, मैं ला रही हूँ खाना, ला रही हूँ, बस कुछ देर रुक जाओ मेरे प्यारे बच्चों। हाँ तो फिर से दूध दो, और तुम लोग दे भी क्या सकते हो भिखारी लोग, तुम्हारी औकात ही यही है, बस दूध ही पिलाओ, और क्या कर सकते हो। चुपचाप दूध ही पी लेता हूँ। अच्छा हुआ बिल्ले को खाना मिल गया है, यही मौका है, जल्दी से जाकर खाना ढूंढ कर ले आती हूँ। कुछ उड़ते हुए देखा मैंने, शायद लगता है टूनी निकल गई। जरा देख कर आऊं कि क्या सच में निकल गई, पर दूध छोड़कर जाना पड़ेगा। दूध तो रोज ही पीता हूँ, पर नॉनवेज खाने का मौका मुझे रोज रोज थोड़ी मिलेगा। हाँ निकल के देखता हूँ। अरे टूनी तो है ही नहीं यहाँ, पर बच्चों की आवाज तो सुनाई दे रही है, का मतलब निकल गई वो। अभी है सही मौका, झट से जाकर फट से निकल जाऊंगा एक एक चूजे को। धत ये तो लौट आई।
जय श्री राम कहकर कूद जाना चाहिए था। अपने गुरु जी को याद करने के चक्कर में लेट हो गया मैं। अब सही वक्त पर लौट आई हूँ मैं। वो शैतान बिल्ला मेरे बच्चों को खाने आ रहा था। आ, आ, टंटनी कैसी हो? नमस्ते महाराज शैतान बिल्ला। अरे वाह, ये तो मुझे महाराज कह रही है। वाह वाह वाह, बहुत ही बढ़िया। ठीक ही हूँ, दिन रात दूध में नहाता हूँ मैं तो। वैसे तुम्हारे तो बच्चे हो गए हैं, है ना टूनी? ओहो महाराज, आपने मेरे बच्चों को वहाँ से देख भी लिया? नहीं, मतलब बस अंदाजा लगा लिया कि मतलब तुम्हारे बच्चे तो हो ही गए होंगे। तो वैसे हैं कितने? जैसे इसे पता नहीं, सिर्फ 5 बच्चे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। इसका मतलब मुझे दबा कर नॉनवेज खाने को मिलेगा 5 दिन। ऐसे महाराज, कुछ देर पहले आप इतना कूद क्यों रहे थे? मतलब कसरत करने की क्या जरूरत है? गलत टाइम पर देख लिया इसने। नहीं, बस दूध पी पी कर मोटा होता जा रहा हूँ। शरीर में जंग सी पड़ रही है तो इसीलिए थोड़ी कसरत कर रहा था, और कुछ नहीं। बस सोच रहा हूँ थोड़ी बाइसेप्स बढ़ा लूँ, थोड़ा अच्छा दिखूंगा। अच्छा ठीक है महाराज, अब मुझे अपने बच्चों को खाना खिलाना है, अगर आप मुझे इजाज़त दे दे तो। जरूर जरूर। अच्छा मैं चलता हूँ, थोड़ा आराम कर लूँ। ये टुनटुनी मेरी इतनी तारीफें क्यों कर रही है? अरे तुम कुछ भी कर लो टुनी, तेरे बच्चों को तो मैं खा कर ही रहूँगा, वो भी बहुत ही जल्द। चला गया, अब मैं तुम्हें खाना देती हूँ बच्चों, देती हूँ। मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। टूनी अगर बाहर भी जाएगी तो ज्यादा दूर नहीं जाएगी, और अपने घोंसले पर नजर रखती रहेगी। क्यों ना मैं इस बैंगन के पेड़ को ही काट डालूं? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। वाह, पर ये पेड़ काटू कैसे? कुछ ना कुछ तो दूध पीकर सोचना ही पड़ेगा। खाओ, चूस चूस कर खाओ। है? मुझे खिलाने में तो नानी मरती है ना तुम लोगों की। अरे अरे, इस बिल्ले ने तो सारी गड़बड़ कर दी। गड़बड़? ये तो कुछ भी नहीं है, अब तो मैं दूध भी गिराऊंगा। देखो देखो देखो, हर रोज दूध पीने के लिए देता हूँ, और इसने तो आज दूध की कटोरी ही गिरा दी, सारा दूध गिर गया। अरे मेरा खेल अभी खत्म नहीं हुआ है बुड़बक। टूट गया। अरे ये तो पानी का कलश भी तोड़ दिया इसने, पानी का कलश भी तोड़ दिया। पता नहीं ये बिल्ला चाहता क्या है। न जाने घर के अंदर क्या हो रहा है, अचानक इतना शोर क्यों? अब देखो असली मजा। रुक जाओ, आज तो मैं तुझे ठिकाने लगा कर ही रहूँगा, रुक जाओ। ये देखो आ गया मालिक का गुस्सा, मैं यही तो चाहता था। रुक जाओ, एक बार हाथ लग जाओ उसके बाद तो मैं तुम्हें ऐसे मारूंगा ना कि 7 जन्मों तक याद रखोगे। अरे पहले इस डॉन को पकड़ो तो बुड़बक, फिर मुझे समझाना। आखिर बात क्या है, वो मालिक बिल्ली के पीछे क्यों पड़ा है हाथ में लाठी लेकर? डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मुझे भड़का रहा है, रुक जा बिल्ले, अभी पकड़ता हूँ तुझे। ये मारी मैंने छलांग। निकल गया हाथ से, पकड़ नहीं पाया इसे।
ऐसी नमक हरामी है, बस एक बार पकड़ में आ जा, जितना भी दूध पिलाया है ना, वो सब मैं निकाल लूंगा। इतना आसान थोड़ी है। इतने दिनों से मैंने तुझे पाला पोसा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। चूहे तो एक भी नहीं मारे तुमने, बस पूरा दिन दूध पीता रहा और खर्राटे मार कर सोता रहा तू। एक बार हाथ आ जा तू नालायक बिल्ला। फिर निकल गया हाथ से। मुझे मारेगा दूधिये, खुद जाकर दूध पी। अब मुझसे बिल्कुल भी नहीं भागा जा रहा है, बहुत थक गया हूँ मैं। लगता है बुढ़ऊ थक गए, अब और नहीं भागेंगे, अब आएगा असली मजा। अब बस चोरी चोरी चुपके चुपके जाके उस बैंगन के पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता हूँ। अब ये बिल्ला मेरे घोंसले के नीचे आकर क्यों खड़ा हो गया? जरूर कोई चाल है इसकी, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो बोर बोरा बैगन के पेड़ के नीचे छुप कर बैठा है। बस यहीं से डंडा फेंक करके मारता हूँ, अब पक्का लगेगा उसे। वाह मुगेम्बो, वाह, उठा लिया तुमने डंडा, अब फेंको डंडा और मुझ पर निशाना लगाओ, मैं तो हट जाऊंगा। और इस बेचारी का बैंगन का पेड़ तो गया काम से, और पिट्टूनी के बच्चे ऊपर से फटाफट गिर जाएंगे और मैं उन्हें सटासट खा जाऊंगा। देखकर तो लगता है कि मालिक डंडा फेंक कर मारेगा, लेकिन अगर वो डंडा बिल्ले को ना लगा तो बैंगन के पेड़ पर लगेगा, फिर तो घोंसला और बच्चे सब गिर जाएंगे। हिल ही नहीं रहा है वो बिल्ला, यही मौका है। वाह, सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से ही चल रहा है। लेकिन अब मैं क्या करूं? बिल्ला तो हट जाएगा और डंडा पेड़ पर गिरेगा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। चिड़िया की चीख सुनते ही मैं डगमगा गया और मैं डंडा ठीक से फेंक कर मार ही नहीं पाया। इस टोली के रहते तो इसके बच्चों को खाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बाल बाल बच गई। रुक जा शैतान बिल्ला, एक बार घर में आ जा, फिर सब दूध का दूध और पानी का पानी करता हूँ मैं तेरा। सही कह रहा है, बस तू दूध ही पिला। आज तो मैं धबाधब 5 छोटे बच्चे खाऊंगा। बस अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता, कैसे खाऊं मैं इन प्यारे बच्चों को।